तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं मार्केट की ओर और अभी बाहर यार पूरा अंधेरा हो चुका है और हमने ना रात को ही जाने का फैसला किया क्योंकि रात को यार थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे। तो अभी मिलते हैं दोस्तों कल मॉर्निंग में सीधा खुर्दा फिश मार्केट। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं रात के 2 और अभी हमने नासिक छोड़ दिया है। अभी कुर्दा कुछ हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर है अभी तक। तो दोस्तों अभी हो चुकी है यार प्यारी सी मॉर्निंग, तो चलो रिव्यू क्या एंजॉय करते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग। और दोस्तों हमने रात भर ट्रैवलिंग करके फाइनली हम मुंबई पहुंच ही गए यार। तो दोस्तों अभी हम क्रॉफर्ड मार्केट जा रहे हैं पहले, ठीक है। बहुत दिनों से मैं क्रॉफर्ड मार्केट नहीं गया हूँ, तो अभी क्रॉफर्ड मार्केट जाएंगे फिर हम कुर्दा मार्केट जाएंगे, ठीक है। पहले क्रॉफर्ड मार्केट में देख लेंगे यार क्या क्या चीज़ें क्या क्या हमें लेना है वगैरह, ठीक है। तो पहला वीडियो हमारा क्रॉफर्ड मार्केट का है। तो फाइनली दोस्तों मैं क्रॉफर्ड पेड मार्केट पहुँच ही गया। तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे जावा फिश जो कि वाइट कलर में है और दूसरा कलर का मुझे पता नहीं, और ये है कौन सी फिंच है पता नहीं, बट ये वाइट वाली जो है ना मुझे ऐसा लग रहा है ना ये अपनी जेबरा फिंच है, और जेबरा फिंच है यार इसे मिक्स और दूसरी कौन सी पता नहीं। और अभी हम आ चुके हैं एक्वेरियम शॉप और यहाँ पे इम्पोर्टेड टैंक भी है यार बहुत सारे वैरायटीज़ में। अभी तो हमें लेना नहीं है बट देख लेते यार कभी फ्यूचर में लेना पड़े तो। ये देखो बहुत ही क्वालिटी टैंक है भाई, एक से बढ़कर एक है। और ये देखो भाई ये 1 फीट से लेकर 2 फीट 3 फीट तक है यार, ये देखो कितने बड़े बड़े यार खूबसूरत लग रहा है। ये टैंक वाला मुझे बहुत अच्छा लगा यार। और दोस्तों यहाँ पे ना यार बहुत अलग अलग वैरायटीज़ के ग्रेवल्स वगैरह भी है और अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे फिशेज भी है, और यहाँ पे कुछ फिशेज का फूड वगैरह एक्सेसरीज वगैरह सारा है। और ये देखो भाई टर्टल भी यार यहाँ पे। तो ये है दोस्तों हैमस्टर का केज। तो यार ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा यार हाथ में हैमस्टर का भी केज होता है, तो मैं हैमस्टर के लिए केज अभी तो नहीं लूँगा, हमारे जब हैमस्टर आएंगे हम ज़रूर लेंगे यार। ये देखो यार ये है इगुआना, इगुआना के छोटे छोटे बेबीज भाई, तो आप कैसे देख रहा है भाई, मुझे इगुआना बहुत ज़्यादा पसंद है यार, बट अभी तो हमें इनके लिए रखने के लिए जगह नहीं है। और यहाँ पे है कॉकोडिल का पेयर, ये देखो भाई कितना खूबसूरत है वाह। और ये कौन सी फिंच है मुझे सच में नहीं पता यार, बट बहुत ज़्यादा यूनिक लग रही है यार ये फिंच, मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कौन सी फिंच है। यहाँ पे मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रैबिट और भैया को बोला भाई इसे कुछ खाने को दो, ये देखो भाई कैसा कर रहा है, क्योंकि ना मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा है यार इसका मुंह कहाँ है और मतलब कहाँ है यार मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो भाई अभी पता चला कि भाई ये आगे से खा रहा है, ये देखो कितना क्यूट है यार भाई, सेम डॉग ही लग रहा है यार ये, वाओ 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 वाओ। ये देखो यार मैंने फिर से वो फिंच देखी कितनी क्यूट है, वाओ वाइट कलर में। और यहाँ पे एक लवबर्ड का पेयर है अल्बिनो कलर में, ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट है यार, पेयर है यार ये सेट पेयर है, अंकल ने बोला सेट पेयर है ये। और यहाँ पे मुझे बहुत ही मतलब फर्स्ट टाइम देखा यार ये ऑस्कर, उनके टेल को ना यार ऐसा ब्लैक कलर का मार्क है, ये देखो ये देख सकते हो ये ऐसा कुछ ब्लैक कलर का मार्क है, तो मुझे ये ऑस्कर फिश बहुत ज़्यादा यूनिक लग रही है यार, मैंने फर्स्ट टाइम देखा यार ये देखो ब्लैक कलर का मार्क है, सारी ऑस्कर पर है, सारी पे नहीं है थोड़ी बहुत को है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ भाई। इलेक्ट्रिक ब्लू आकार है, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, मेरे पास थी यार ये वाली फिश, बट हमें इनका कंफर्म मेल फीमेल चाहिए, अभी तो ये कंफर्म नहीं है। और दोस्तों हमारी ऑस्कर अभी पैक हो रही है, और इंडा गोल्ड भी कितनी ज़्यादा क्यूट है यार, वाओ अल्बिनो कलर। और ये देखो भाई ये बड़े साइज़ के 2 ऑस्कर दिखे मुझे, हमारे बॉक के इतनी तो नहीं है बट है यार बहुत बड़े,
कुछ मैंने यहाँ पे टेट्रा वैरायटी का एक टैंक देखा और इसमें कुछ टॉयज है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये देखने के लिए। और लाइव प्लांट्स टैंक है ये देखो, इसके साइड में भी है। और यहाँ पे कुछ कलर वीडियोज़ है, इसमें भी लाइव प्लांट्स का टैंक सेटअप है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार ये देखो, बहुत ज़्यादा ग्लो 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 हो रहा है। तो यार अभी हमें एग्जिट यहाँ से है या यहाँ से, अभी कंफर्म करते और चलते। तो दोस्तों हमने सारा क्रॉफर्ड मार्केट घूम लिया और मैंने वहाँ से यार बहुत सारी शॉपिंग की, ठीक है ना, ये देखो यार। बट वो सारी शॉपिंग है ना यहाँ की सारी हमारी सरप्राइजिंग शॉपिंग रहने वाली, ठीक है। तो भी हमारा क्रॉफर्ड का तो सारा काम हो चुका है, तो अभी हमें जाना है कुर्ला फिश मार्केट और वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करने के। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूँ कुर्ला फिश मार्केट और अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, कुछ मुझे फ़िश फूड वगैरह एसेसरीज लेने थे, तो ये एसेसरीज वगैरह हम यहाँ से ले लेते। और ये देखो भाई यहाँ से एंट्री मारते हैं और बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के फिश फूड है यहाँ पे, मतलब जो चाहिए वो हमें मिलने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये देखो डफनिया, डफनिया भी हमें मिल गया यार। तो चलो यार यहाँ से हम शॉपिंग करते हैं जल्दी जल्दी, हमारे फिशेज के लिए बहुत सारे फिश फूड लेते हैं और चलो। तो दोस्तों विशाल भाई के लिए मैंने यहाँ से कलर वीडियो भी ले ली और ये देखो भाई कितने सारे फिश का स्टॉक है भाई यहाँ पे, भाई 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 ये बड़ा शॉप है यार। यहाँ पे देखो ओरिंडा गोल्ड फिश से लेकर फ्लोरन के छोटे बेबीज भी भाई यहाँ पे देखो, कितने भाई कितने एक्टिव है यार ये। और यहाँ पे मुझे कुछ है ना ये गुरामी बहुत अच्छी लगी यार, इसकी साइज़ और इसका पैटर्न भाई यूनिक है। तो फाइनल दोस्तों हमारा जो ड्राई का सामान है मैंने सारा का सारा ले लिया और बहुत सारा सामान हो गया भाई हमारे पास। अभी तो फिश बाकी है यार, अभी कहाँ रखेंगे इतनी सारे फिश। चलो भाई अभी यहाँ पे तो मैंने फिश लाने के लिए ये तो डब्बे ला के रखे है गप्पीज वगैरह रखने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी कम्फर्टेबल जाएगी यार, ठीक है, हमारा लंबा रूट है। तो यहाँ पे हमारी कलर वीडियो भी मैंने यहाँ पे रख दी। तो दोस्तों अभी बाकी का जो अपडेट है फिशेज का वगैरह, अभी तो हमने फिशेज तो नहीं ली बट ड्राई का जो सामान है फिश फूड वगैरह हमने सारा का सारा ले लिया। तो अभी मैं आपको अपडेट कल की वीडियो में दूंगा, ठीक है।